हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी एस स्टोरी टेलर पर। और आज मैं आपके साथ लवांगची अकर्स्ड ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। 5 महीने बीत जाते हैं लवांगची और वेंशु की वेडिंग को, और पिछले 2 महीने से वो लोग अलग रह रहे थे। वेंशु बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है बैटल फील्ड में, क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस था और उसके साथ साथ उसके ऊपर सैन्य का भार भी होता है। जैसे कि हमारे देश में आर्मी के लोग होते हैं, वो कितने कितने टाइम तक अपनी वाइफ, अपने परिवार से नहीं मिल पाते, अपने मदर फादर, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, हर किसी से दूर रहते हैं और एक बहुत हार्ड लाइफ जीते हैं। उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपनी क्यूट से लवांगची को एक लेटर भी लिख सके। वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है वेंशु अपने सोल्जर्स, आर्मी और अपने एमुलेट्स की परवाह करने में। ऐसे ही एक दिन बैटलफील्ड में बहुत घनी लड़ाई चल रही होती है, और एक दिन आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बैटलफील्ड में। वेंशु जो था वो अपने टेंट में होता है। वॉर चलने की वजह से बैटलफील्ड का एक रूल होता है कि जब बारिश हो या कोई आपदा हो तो हमला नहीं करना चाहिए, और दोनों सेक्ट में संधि थी जो कि था ताइयांग सेक्ट और वेंचिशान सेक्ट, इन दोनों में संधि हुई थी। लेकिन वॉर जो थी वो जैसे ही रुक जाती है भारी बारिश के चलते, लेकिन ताइयांग सेक्ट जो है वो वॉर का रूल ब्रेक कर देता है और पीठ पीछे वॉर करता है वेन के चिशान सेक्ट में। और वहाँ पे जो बहन के सैनिक थे वो आधे अनप्रिपेयर्ड थे, वो लोग रेस्ट कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बिजी थे। उन सबको ना जाने कैसे छुपकर वार होता है उन पे, और उन सबको, उन सब में से आधे से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है ब्रूटली। और ताइयांग सेक्ट की जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो वेंशु के टेंट के आसपास आ जाती हैं, उसको मार डालती हैं, और वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वो लोग अनकाउंटेबल एरोज यानी कि तीर कमान चलाते हैं, जिससे वेंशु की बॉडी का कतरा कतरा, वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी पे ना जाने सैकड़ों तीर के वार करते हैं, और ना जाने कितनी तलवार मार मार के उसकी एक एक कतरे, उसकी शरीर से एक एक चीज़ को अलग कर देते हैं, और वेंशु की बहुत बुरी तरह से मौत होती है। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। यहाँ पर वेन सेक्ट में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है, घूसु के सेक्ट में भी, वहाँ पर एक क्योस सा क्रिएट हो जाता है चिशान के वेन सेक्ट में। जैसे ही पूरी दुनिया को पता चलता है कि वेन सेक्ट का क्राउन प्रिंस मर गया है बैटलफील्ड में ताइयांग सेक्ट के अगेंस्ट लड़ता हुआ, और ये न्यूज़ एकदम आग की तरह आसपास फैल जाती है। सारे कल्टीवेटर वर्ल्ड के लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। घूसु का लेन सेक्ट तो दुख मना रहा होता है वेंशु की डेथ पे, और लेन शिचेन बहुत ही ज़्यादा लवांगची जो कि 5 महीने प्रेग्नेंट था उसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेन शिचेन जानता था कि उसका बेबी ब्रदर इनकैपेबल है अपने इमोशंस को शो करने के लिए, और वो जानता था कि इस न्यूज़ को उसका भाई कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लवांगची ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे थे। लेन शिचेन बहुत कंसर्न हो जाता है और वो विजिट करना चाहता होता है चिशान वेन सेक्ट को सपोर्ट करने के लिए अपने छोटे भाई को। एक बड़े भाई का दिल कितनी बुरी तरह से टूटा होता है, अपने छोटे भाई को इस तरह से इतना बड़ा दुखों का पहाड़ एक 16 साल के प्रेग्नेंट बच्चे पे टूट पड़ा हो, जो कि एक विधवा भी बन गया है, अब एक लांछन लग गया है उस पर समाज का कि भाई अब वो विधवा है। लवांगची सच में इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करने के लिए, लेन शिचेन बहुत रिग्रेट कर रहा होता है अपने भाई को लेके कि इतनी छोटी उम्र में उसने क्यों लोगों के अगेंस्ट ना जाकर अपने बेबी ब्रदर की शादी होने दी, और आज वो बेचारा विधवा हो गया, प्रेग्नेंट है, और उसने फिर से अपनी फैमिली का एक मेंबर खो दिया। क्या पीत रही होगी उसके भाई के दिल पे। चिशान के वेन सेक्ट में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि वहाँ उनके बड़े बेटे वेंशु की मौत हो गई थी। ताइयांग सेक्ट ने इतनी ब्रूटली उनके बेटे को मारा था कि वेंशु की बॉडी के एक एक कतरे को भी उन्होंने वाइल्ड जंगली कुत्तों को खिला दिया था। चिशान वेन सेक्ट से लोग एक बार अपने क्राउन प्रिंस का चेहरा देखने के लिए तरस गए थे, और वो लवांगची जो प्रेग्नेंट था और पिछले 2 महीने से अपने पति की न्यूज़ का वेट कर रहा था, वो अपने पति की एक आवाज़ सुनने के लिए, एक बार उसे हक करने के लिए तरस गया था। वो ना जाने कितनी बार दिन में बेहोश होता था अपने पति की मौत की खबर सुन के। ना वो खा रहा था, ना वो पी रहा था, वो बस एक जिंदा लाश था। लवांगची को कॉन्शियस ही नहीं था, उसे होश ही नहीं आता था, और ये न्यूज़ सबके लिए बहुत शॉकिंग थी, स्पेशली लवांगची जिसे अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा नीड थी ना अपनी प्रेगनेंसी में। उसने लास्ट 2 महीने से एक बार भी अपने पति को नहीं देखा होता, एक बार उसे हग नहीं किया होता, उसकी बॉडी के अंतिम दर्शन नहीं किए होते, उसकी बॉडी तक को नहीं देख पाया, वो एक बार प्यार से सहला नहीं पाया अपने पति का चेहरा। उसके हस्बैंड की जो बॉडी है वो सच में
कुत्तों को खिला दी गई थी। और कैसा लगता है जिस इंसान से हम प्यार करें उसे इतनी ब्रूटली कोई मार दे। लवांगची ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को खो चुका था जब वो 6 साल का था, वो ऐसे ही बड़ा हुआ। उसे ना जाने कभी लव और वार्म्थ नहीं मिला किसी का। उसके अंकल स्ट्रिक्ट थे, भाई पे सेक्ट का भार था, और उसका ये लविंग हस्बैंड भी इतनी बुरी तरह से मारा गया कि लवांगची से पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेन सहते रहते हैं सहते रहते हैं सहते रहते हैं, एक पॉइंट आता है कि शायद वो पेन हम बियर नहीं कर पाते, हम सह नहीं पाते, या फिर तो हम चुप हो जाते हैं, या फिर हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमारी बॉडी ना उस चीज़ को, हमारा माइंड एक्सेप्ट करना छोड़ देता है। और लवांगची इतना रो रहा था, इतनी बुरी तरह से बेहोश होता है। लेंशिचन चिशान के वेंट सेक्ट आता है, वो शॉक था लवांगची की स्टेट को देख के। उसे अंदाज़ा तो था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई इतना टूट जाएगा, एक लाश बन जाएगा। वो अपने भाई को हक करता है जो इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ था, और वो कहता है, वांगची प्लीज़ ऐसा मत करो अपने साथ, तुम प्रेग्नेंट हो क्राउन प्रिंस के चाइल्ड से, माई ब्रदर, मेरे भाई, प्लीज़ अपना ख्याल रखो, एक लाइफ है तुम्हारे अंदर। और वो भाई जो बड़ा था उसके दिल पे क्या बीत रही होगी अपने छोटे को इस तरह से टूटे हुए देख के, जो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और बार बार कह रहा था कि मुझे नहीं जीना। तभी लिंचचैन रोते हुए कहता है, प्लीज़ वांगची अपने सेंसेस में वापस आओ, वांगची होश में आओ, होश में वांगची मुझसे बात करो, वांगची मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, प्लीज़ एक बार मुझसे बात करो। वो ना जाने कितना रोता है, गिड़गिड़ाता है वांगची के सामने, और उसका ब्रदर उससे बात नहीं कर रहा होता, अपना दुख जाहिर नहीं कर रहा होता, क्योंकि वांगची को दुख जाहिर नहीं करना आता था। और वो बस रोते रोते यही बोल पाता है कि बड़े भैया, मेरे जांगफू, मेरे हस्बैंड मर गए, मैंने उन्हें एक बार नहीं देखा, एक लास्ट टाइम नहीं देखा, और मैं बस उन्हें एक हग करना चाहता था, मैं उन्हें अपनी बाहों में भरना चाहता था एक बार, प्लीज़ एक बार। और वो रोता है और कहता है, मैं उन्हें वापस चाहता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को वापस चाहता हूँ, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे। क्या मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला, क्या मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला, क्यों हमारे पेरेंट्स इतनी छोटी उम्र में मर गए, कोई मुझे प्यार नहीं करता बड़े भैया। और लवांगची इनोसेंटली रोता है, उसने अपनी टांगों को मोड़कर अपनी टांगों को हक किया हुआ था। लेंशचैन डर जाता है अपने भाई को इस हालत में देख के, कि उसका बेबी ब्रदर मेंटली अनस्टेबल हो गया है। और लवांगची रोते रोते कहता है, मैं मरना चाहता हूँ भैया, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं अपने पति के पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मरने दीजिए उनके साथ, कम से कम उस हेवन में तो हम साथ रहेंगे, उस स्वर्ग में, उस जन्नत में तो हम साथ होंगे, जांगफू मेरा वेट कर रहे हैं। और लवांगची इतना रोता है और हक करता है अपने भाई को, उसका भाई का दिल दहल जाता है कि उसका बेबी ब्रदर आज मरने की बातें कर रहा है। ये तो चाहता था कि उसके बेबी ब्रदर की कदमों में खुशियाँ हों और पूरा संसार उसके कदमों में आ जाए, लेकिन आज उसका बेबी ब्रदर खुद अपने पैरों को पकड़ के बैठ के रो रहा है। ये दिन तो कभी नहीं सोचा था एक बड़े भाई ने विदा करते टाइम। लवांगची बहुत रोता है। तब एक इम्पीरियर डॉक्टर आता है वेंस का, और उसे फोर्सफुली एक हर्ब खाने के लिए कहता है, एक मेडिसिन खाने के लिए कहता है, ताकि लवांगची जो है उसका मेंटल पीस उसे मिले, वो थोड़ी देर सो जाए, उसका दिमाग शांत हो, और दिमाग शांत होगा तो वो ये उल झलूल बातें कम करेगा, उसका माइंड शांत होगा तो वो ठीक से सोच पाएगा, वो अपना और अपने बच्चे के बारे में सोच पाएगा। और इस चीज़ के लिए लवांगची थोड़ी देर में कम से कम नॉर्मल तो होगा, दुख कोई कम नहीं कर सकता किसी के जाने का, लेकिन उसका दिमाग शांत होगा। वेन फैमिली जो है वो लिटिल लवांगची और उनके फ्यूचर हायर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। लेंशचैन भी पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि लवांगची इस इमोशनल टाइम से बाहर निकल जाए। वो 2 महीने वेन सेक्ट में बिताते हैं लेंशचैन वेन जू की डेथ के बाद, और लवांगची जिसे सेक्शुअल क्रेविंग हुआ करती थी उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, वो बहुत छोटा था, वो अपने पति के हर टच को मिस करता था। और लवांगची एक लड़का था जो कि ऐसी स्टेट में उसका इतना मोटा पेट हो चुका था कि वो अपने आप को मास्टरबेट भी नहीं कर सकता था, वो बहुत वीक हो चुका था, उसकी बॉडी में जान तो थी लेकिन उसके अंदर जान नहीं बची थी, और वो कभी भी खुद को टच भी नहीं कर पा रहा था, उस तरीके से भी नहीं कि वो खुद को एटलीस्ट सेल्फ सेटिस्फाई कर पाए। लेंशचैन जो है इंपीरियर डॉक्टर को लवांगची के लिए बुलाते हैं ताकि वो इस सिचुएशन से डील कर सके, अपने हार्मोन से डील कर सके, और जो उसे इस तरह इस टाइम अकेलापन फील हो रहा है, डॉक्टर उसे ऐसी दवाइयाँ दे सके कि लवांगची जो है सोते वक्त ही
उसकी ये जो सेक्सुअल क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट सर्टेन पीरियड के लिए ख़त्म हो जाए जब तक वो प्रेग्नेंट है, ताकि लवांगची की हेल्थ पे या लवांगची की बॉडी पे उसका असर ना पड़े, क्योंकि अब लवांगची की बॉडी पे उस चीज़ का असर पड़ने लगा था। वो बार बार बेहोश हो जाता था, एक्सट्रीम लेवल की उसे सेक्सुअल क्रेविंग होती थी जब जब। ऐसे ही 9 महीने बीतते हैं, लवांगची अपने लेबर में होता है और ये टाइम उसके लिए इतना पेनफुल होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो एक माँ जानती है उसने क्या सहा है, कितना दर्द सहा है। फिजिकली मेंटली तो वो वैसे भी टूट चुका था, क्योंकि उसके पति, उसके बच्चे, मतलब उसके पति और उसके माँ बाप, उसे कभी नहीं उनका प्यार मिला और मिलेगा भी नहीं। पीरियड डॉक्टर आती है और कहती है, लवांगची सांस लो और अपने बच्चे को बचाओ, वरना तुम इसे भी खो दोगे। टाइम बीतता है, लवांगची कोऑपरेट करता है और वो एक बेबी गर्ल, एक क्यूट सी बेबी गर्ल को जन्म देता है, जो कि लवांगची की तरह ही दिखती थी और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी, ब्यूटीफुल थी। लवांगची अपना कॉन्शियस खो देता है उसे जन्म देने के बाद, और कुछ घंटों बाद वो होश में आता है, क्योंकि उसने बहुत फोर्स लगाई होती है। एक बच्चे को जन्म देते हुए एक माँ की जान निकल जाती है, इतना दर्द होता है, और लवांगची ने उस पेन को और अपने हस्बैंड के जाने के पेन को, हर चीज़ को उसने सहा। एक 16 साल की छोटी उम्र में, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्या ये बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है ये। मैडम वैन जो है वो बैठी होती है लवांगची की साइड में, एक छोटा सा बच्चा, एक अनबॉर्न बच्चा उसके हाथ में होता है, जिसके बाबा इस दुनिया में नहीं है। वो बेबी रो रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगती है, और लवांगची धीरे से अपने रूप्स को स्लाइड करता है, साइड करता है, और उस बच्चे को अपना दूध पिलाता है अपनी चेस्ट को क्लीन करने के बाद, और वो बेबी उसका दूध पीती है। पहली बार अपने माँ के, यानी कि अपने एडाई की गोद में आती है। एडाई भी अपने बच्चे को देखता है कि शायद अब यही उसकी ज़िंदगी का सहारा है। लवांगची कि कितने आंसू उसकी आंखों से जो है फटाफट से बह जाते हैं, जिसे एक अपने टच की, एक वार्म टच की इच्छा थी, जो कि अपने पति से थी, अपने माँ बाप से थी, लेकिन अब उसकी गोद में ही नन्ही सी जान होती है। लवांगची बहुत बहुत वीक होता है अपनी बेटी को जन्म देने के बाद। उसे 1 महीने का बेड रेस्ट कहा गया था, और लवांगची अपने आप को बेड में रखता है और अपने आप को बीबी बहुत ज़्यादा बिजी रखता है अपनी बेबी सिटिंग में, अपने बच्चे का ख्याल रखता है, और उस बेबी गर्ल का नाम वेंतियांशी होता है, तियांशी मतलब एक एंजल, और वो हमेशा अपनी बेबी को दूध पिलाया करता था, और बहुत अच्छे से वो अपने बच्चे की केयर करा करता था। एक माँ की तरह वो अपने बच्चे पे आंच नहीं आने देता, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का एक पहलू तो उजड़ ही गया था। शक क्या कहेंगे हम, किसकी गलतियां थी ये? छोटी उम्र में उसकी शादी के लिए हामी भरनी, क्या वेंशु ने उनकी उम्र का ध्यान नहीं दिया, प्यार में जल्दबाजी में फैसला लिया? क्या गलती वेन रूहान की थी, जिसने अपने बेटे की मर्जी के लिए वांगची की शादी कर दी? या लेन चिरन की हम गलती कहेंगे, जिन्होंने इस शादी के लिए अप्रूवल दे दिया? या फिर गलती लेन शिचन की थी, जो अपने भाई को शादी होते हुए देखता रहा? किसे गलती, किसकी गलती है और किस पे हम कसूरवार ठहराएंगे? या लवांगची, जिसमें जो अपने पति को सब कुछ मान चुका था, जिसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और जब पति ने प्यार दिया वो बैटल फील्ड में चला गया जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुआ, और उसके बाद वो तरसता रहा, और न्यूज़ क्या आती है कि उसे अपने पति के अंतिम दर्शन भी होने को नहीं मिलेंगे। सोचो क्या बीती होगी उस नन्ही सी जान पे, जो सिर्फ 16 साल का है और उसके हाथ में एक बच्चा है जिसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। क्या होगा, कैसे पालेगा लवांगची, और कैसे पालती होंगी वो माएँ जो छोटी उम्र में विडोज़ होती हैं और उनके पेट में बच्चा होता है? समाज को सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे रखें, बेटियां कमाएं और अपने पैर पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। उन्हें सिर्फ शादी के लिए बोझ ना समझें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, जॉब करवाएं, पैसों के लिए नहीं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। वो जो करना चाहती हैं उसे हर फील्ड में, हर शोबे में आगे करें, क्योंकि बेटियां ही फ्यूचर हैं। बिना माँ के, बिना औरत के ये संसार नहीं चल सकता। आदमी बीवी में बच्चा डाल सकता है, लेकिन बच्चे को सींचना, पालन पोषण करना, 9 महीने तक रखना एक माँ करती है। और वो माँ ही लड़की भी होती है, माँ भी होती है, किसी की बीवी भी होती है, बहन भी होती है। हर रिश्ते जो जुड़ा है ना, वो एक माँ से जुड़ा है। बचपन में वो बेटी होती है, बीवी होती है, आगे चल के वो माँ बनती है, वो कितने रिश्तों को जोड़ती है। और अगर आप उसे अनएजुकेटेड रखेंगे ना, तो आपकी पूरी पीढ़ी अनएजुकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए लड़की की जो पढ़ाई है उस पर बहुत ध्यान दें,
लड़के से ज़्यादा लड़की को पढ़ाएं या लड़के के बराबर लड़की को पढ़ाएं, लेकिन लड़की को ज़रूर पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको मेरी थिंकिंग पसंद आई हो। जो डिसएग्री करते हैं आई एम सॉरी, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है और मैं चाहती हूँ हर लड़की आगे बढ़े, हर शोबे में आगे बढ़े, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो गायक हो, चाहे क्रिकेट हो, हर शोबे में लड़की आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ कभी कम ना थी, ना हैं और ना होंगी। अगर लड़कियाँ कम होती तो लड़कियाँ कभी दूसरे जीवन को अपने अंदर नहीं समा सकती थी। भगवान ने उन्हें इसलिए बनाया क्योंकि वो पूरी सृष्टि को रचती हैं, तो लड़कियाँ कभी कमज़ोर नहीं हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।